सच बात पूछता हूँ बताओ ना बाबूजी। वो बेटी कहती है, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। वो बेटी अपना पहला सवाल अपने पिता से करती है और कहती है, क्या पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो रुलाते भी मुझे थे। मैं हूं नहीं तो किसको रुलाते हो बाबूजी, हंसाते क्या याद मेरी आती। वो बेटी अपने बचपन की याद अपने पिता को दिलाती है, बहुत ही सुंदर सवाल करती है, जरा गौर से सुनिएगा। हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडी भी ना लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। फिर वो बेटी अपने पिता के वो दिन याद दिलाती है जब पिता हर काम करके अपने बेटी को और अपने बच्चों को खुश रखता है। अगर पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, पिता है तो संसार की सारी खुशियां हमारी है। वो बेटी आगे क्या कहती है, क्या सवाल करती है। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पिता एक ऐसा शख्स होता है जो कभी अपने बेटे अपनी बेटी के सामने नहीं रोता है। वो सोचता है कि अगर कैसा भी कष्ट आ गया, अगर मैं मेरे परिवार के सामने रो दिया तो मेरा परिवार टूट जाएगा। कभी भी अपने बच्चों के सामने नहीं रोता है। वो कठोर दिल इंसान हमेशा अपने सीने पर कठोर पत्थर रख कर जीता है, हर दुख हर तकलीफ सहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जो अपने द्वारा पाली पोसी गई वो नन्ही गुड़िया
जब बड़ी होती है उसे किसी दूसरों के हाथ में देता है, जब वो मिलन की घड़ी आती है, वो विदाई का समय आता है, तब वो कठोर दिल इंसान, वो पिता अपने आप को नहीं रोक पाता है, वो फूट फूट कर रोता है। वो जब ब्याह होता है तो घर के सारे काम करता है, इधर उधर बेटी के सामने बहुत कम आता है, क्योंकि वो विदाई का क्षण आने वाला होता है। वो सारी बातें वो बेटी जानती है, वो सारी बातें वो बेटी देखती है। फिर अगला सवाल वो बेटी क्या करती है, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा, कपड़े कभी सामान गहने वो सजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, ना सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। मैंने पहले भी बताया कि कई परिवार ऐसे मिल जाते हैं जहां बेटी से बढ़कर प्रेम मिलता है, और कई परिवार ऐसे मिल जाते हैं थोड़े दिनों के बाद झगड़े चालू हो जाते हैं, कहते हैं ये तेरा घर नहीं, तेरे पीहर चली जा, और पीहर वाले कहते हैं कि तेरा घर अब ये नहीं, तेरा ससुराल ही तेरा घर है। अगर कोई कठिनाई आती है, कोई ताने सहती है, छुप छुप कर रोती है वो बेटी, फिर वो अंतिम सवाल अपने पिता से करती है और क्या कहती है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बता न कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना, ससुराल है पूरा, और पापा क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, अधूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, बड़ी देर से बाबा भूखा बैठा है, हम बाबा को भोग लगाते हैं।